तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर वेबसाइट में चेंजिंग आ गया है सर्विस प्लस के वेबसाइट में, यानी कि परसों रोज से यानी कि 21 तारीख से ही सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है उसका मेंटेनेंस में चल रहा था, तो उसका कल से उसका वेबसाइट को क्या किया गया कि अपडेट कर दिया गया है। और अपडेट करने के बाद उसका यूजर आईडी जो पासवर्ड आप फिलअप करते थे, इंटर करते थे, लॉगिन करते थे, तो वहां से आपका चेंजिंग आ गया है। तो वेबसाइट को चेंजिंग आने के बाद उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो पहले का जितने भी लोग यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाए थे उन सभी का यूजर आईडी एंड पासवर्ड सभी का रद्द हो गया है। जी दोस्त, यहाँ पर उन सभी का जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी साइबर कैफे वाले लोग होंगे या जितने भी जो भी लोग स्टूडेंट ये हो या कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति होंगे, तो लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो बनाए थे उन सभी का जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड था सभी का रिजेक्ट हो गया है, यानी कि रद्द हो गया है। तो उन सभी का यूजर आईडी एंड पासवर्ड नया बनाना होगा, तो उसका वीडियो मैं पहले ही बना दिया हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से उस वाले वीडियो को देखकर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाने के बाद आप उस वाले यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, यानी कि नया वाले यूजर आईडी एंड पासवर्ड से जाति, निवास, आय या कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप EWS बना रहे हो, OBC, NCL, आचरण जो भी बना रहे होंगे, तो उन सभी का कैसे बनाना है उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। फिलहाल आप सभी को रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है, उस सर्टिफिकेट को मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको नए वाला वेबसाइट से यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके आपको आवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट इस तरीके आपको हमेशा सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्विस प्लस। टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है, इस तरीके से पेज ओपन होगा, पहले वाला पेज उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा, जिस तरह से पहले ही ओपन होता था उसी तरीके से इस तरीके से ओपन होगा। लेकिन अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ से ही लॉगिन करें, जैसे पहले लॉगिन करते उसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे। लेकिन लॉगिन वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका वेबसाइट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेबसाइट चेंज हो गया है। तो इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना होगा। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाने के लिए मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले वेबसाइट पर चले आइएगा। और इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद इस वाला का यूजर आईडी एंड पासवर्ड बिल्कुल फ्री में आप बिल्कुल बना सकते हैं, मात्र 5 मिनट के अंदर। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाने के बाद आपको बिल्कुल CSE की तरह वर्क करेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको यूजर नेम से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं या तो मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, दोनों से चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके शो कर देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल चुका हूँ। यहाँ पर चलिए दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पर OTP डाल लेना है और OTP डालने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स है यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके भी आप लॉगिन हो सकते हैं। चलिए मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पर शो करा देता हूँ कि किस तरीके से लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका हूँ, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से लॉगिन हो जाएंगे उस वेबसाइट में, जहाँ से आपको जाति, निवास, आय, EWS और OBC, NCL जो भी सर्टिफिकेट बनाना है यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। जो आपको सर्विस प्लस वाला जो मेन वेबसाइट था, तो वही वाली वेबसाइट को यहाँ पर अपडेट किया गया है। अपडेट करने के बाद इस तरीके से पेज में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद अब क्या करना है कि अब आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर जाना है, अप्लाई सर्विस पर। यहाँ पर व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको आईडी पासवर्ड बनाने का मैं वीडियो बना दिया, वहाँ से आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। बिल्कुल CSE की तरह वर्क करेगा इसमें वीडियो ये आईडी पासवर्ड। तो मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको उसी तरीके से सर्च करना जिस तरीके से आप पहले बनाते थे। चलिए मैं यहाँ पर रेसिडेंस पहले बना लेता हूँ। तो RESI टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर रेसिडेंस बनाने के लिए पहले RO लेवल बनाया जाता है, जो ब्लॉक से बनाया जाता है। तो ब्लॉक से जो बनता है RO लेवल का बनता है, तो इसी वाला पे आना है, सेकेंड वाला पर क्लिक कीजिएगा, RO लेवल वाला पर। और यहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो पेज इस तरीके से ओपन हो गया है मेरा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेज ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद चलिए मैं आपको बारी बारी से सभी डिटेल समझा देता हूँ, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ,
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अभिभावक का सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे श्री माता पिता जिसके श्रीमती या मिस्टर लगाते हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना कैंडिडेट का नाम डालेंगे, अगर इंग्लिश में या कैंडिडेट का नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेस कीजिएगा तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है, उसी तरीके से यहाँ पर इस तरह से स्पेस मारेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद माताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में माताजी का नाम आएगा। अगर आप किसी लेडी का बना रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम डालेंगे तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। अन्यथा आप जेंडर ऐसे ही बना रहे हैं तो किसी लेडी का नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम छोड़ देंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, यहाँ पर ईमेल आईडी है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। तो चलिए मैं आपको और आगे का डिटेल सब शो कर देता हूँ। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम से भी शो कर जाएगा, तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर सकते हैं। इसके बाद अनुमंडल का नाम, जो भी अनुमंडल आपका होगा यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक को चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय का जो दिया गया है, तो स्थानीय निकाय में से आप यहाँ पर ग्राम पंचायत जो भी होगा पंचायत का नाम यहाँ से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट वाला पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पंचायत का नाम इस तरीके से शो कर जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पंचायत का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी आपका पंचायत होगा अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ है विलेज का नाम यहाँ पर टाइप करना है, जो यहाँ पर शो कर रहा है बॉक्स, इसमें विलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पर थाना का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इसमें ऑप्शन रहेगा। इसके बाद पिन कोड डालिएगा, यहाँ पर अपना फोटो डालिएगा, जिस कैंडिडेट का आप बना रहे हैं, जाति निवास आए जो भी बना रहे हैं तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे। और फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आइएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आधार का सेक्शन जो दिया गया है यहाँ पर आधार नंबर आपको नहीं डालना है। अगर आप आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आधार का OTP वेरीफाई मांगेगा, तो इसलिए यहाँ पर आधार नंबर अगर लिंक होगा मोबाइल नंबर से तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोनों में से आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे अस्थायी निवासी हो तो अस्थायी पर क्लिक करेंगे, अगर कोरस्पॉन्डिंग निवासी हो तो यहाँ पर अस्थायी पर क्लिक करेंगे। मैं अस्थायी निवासी हूँ, इसी पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य डालेंगे, आप किस चीज़ के लिए देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप लिखेंगे, या कॉलेज में देना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलेज का नाम कॉलेज लिखेंगे केवल। और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आइएगा, और नीचे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करिएगा, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर आपको आपका ब्लॉक का नाम रहेगा। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है, इस वाला कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा, अगर कैप्चा रॉन्ग होता है तो इस वाला पर क्लिक कीजिएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला कैप्चा फिर से इसमें डाल लीजिएगा। और डालने के बाद आपको नीचे आइएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो सेक्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड के, और इसके बाद यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो चलिए मैं आपको बारी बारी सभी डिटेल समझा दिया हूँ, और यहाँ पर मैं फिलअप करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर चुका हूँ, जैसे कि नाम, पिताजी के नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना एड्रेस सभी फिलअप कर चुका हूँ, फोटो डाल चुका हूँ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर अस्थायी निवासी, और यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य, यहाँ पर मैं कैप्चा, चलिए मैं डाल लेता हूँ, इस तरीके से कैप्चा को फिलअप करना है। तो इस तरीके से कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ओके कीजिएगा, और ओके करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पर कैप्चा अगर रॉन्ग अगर लिख देता है आपको भी, अगर ऐसा लिखता है तो यहाँ पर इस पर रिफ्रेश कीजिएगा, आपको फिर से कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना होगा, एक नया कैप्चा आ जाएगा। इस तरीके से फिलअप करेंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। आप प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर सभी शो हो जाएगा। आपका डिटेल यहाँ से मिला लेना है, अगर डिटेल सही है तो आगे का प्रोसेस करेंगे, अगर डिटेल गलत है तो यहाँ पर एडिट का सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। मेरा डिटेल सारा सही है, इसलिए यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर अटैच एनेक्सवर का क्लिक जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो आप डिटेल यहाँ से एक फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ अपना आधार कार्ड है, मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हो या कोई भी, तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड किया हूँ, यहाँ पर सेव एनेक्सवर पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट प्रोसेस आता है, अब यहाँ से सेव एंड सबमिट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैं डिटेल अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर सभी डिटेल डाल चुका हूँ,
और जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाला होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको शो कर जाएगा कि हाँ आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पर लास्ट प्रोसेस, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा जो आपको रिसीविंग के तौर पर रहेगा, जो आपको डाउनलोड करने का यहीं से इसी वाले एप्लीकेशन नंबर से मिलेगा, जो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया इस वाले एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का वीडियो पहले से ही बना हुआ है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और जो भी आपको डाउनलोड करना होगा, कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा RTPS वाला, तो उस वाले वेबसाइट पर जाकर यानी कि उस वाले वीडियो को देखकर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। जितने भी स्कॉलरशिप भरने वाला स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर लें ताकि आपको स्कॉलरशिप में कहीं समस्या ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।